आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल जीके आर्ट से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं एक बार फिर से अपने उस टॉपिक को लेकर जो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और यदि आप मेरे YouTube चैनल से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको पता है कि मैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों पर लगातार चर्चा किया हूँ। इसके पहले मैं पार्ट वन और पार्ट टू के तौर पर दो वीडियो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का अपलोड कर चुका हूं। आज मैं इस चैप्टर को समाप्त करूंगा, यानी कि आज मेरा ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का तीसरा वीडियो होगा। तो छात्रों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को भी पूरा देखें और जो पीछे मैंने दो वीडियो और भी अपलोड किया है उन दोनों वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। जो छात्र मेरे पहले के दो वीडियो को नहीं देखे होंगे उनके लिए मैं लिंक है इसी वीडियो में डाल दूंगा, पार्ट वन और पार्ट टू, जहां पे आप पहले दोनों वीडियो को भी आराम से देख सकेंगे, आपको दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक और चीज़ मैं छात्रों आपसे कहूंगा कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे तथा जितना अधिक से अधिक हो सके दूसरे छात्रों के बीच वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो आज आइए हम बिना देरी किए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर आज तीसरे पार्ट की चर्चा करें। और आज का जो हमारा चर्चा है वो दो मुख्य बिंदुओं पर आधारित हैं, एक में है आपको स्वामी विवेकानंद और दूसरे में दयानंद सरस्वती। चूंकि इसके पहले मैंने कुछ प्रमुख समाज सुधारकों का जिक्र पार्ट वन और पार्ट टू में कर दिया है, आप वहाँ वीडियो देखकर इस पूरे चैप्टर को जरूर कंप्लीट करेंगे ताकि इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हो वो सारे दूर हो सके और एग्जाम में आपके लिए एक बेहतर तैयारी इस चैप्टर से हो सके। तो चलिए हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जिसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन को बनाया था कलकत्ता में। तो सबसे पहले जानते हैं रामकृष्ण मिशन और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के बारे में ही। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी। हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा उम्र में इनकी मृत्यु नहीं हुई, जब अभी युवावस्था में ही थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये जो समय है इनका उसको हमको अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम था वो बचपन का नाम था इनका नरेंद्र दत्त, यानी स्वामी विवेकानंद को बचपन में नरेंद्र दत्त के नाम से ही जाना जाता था। जैसे कि आपको दयानंद सरस्वती को बचपन के नाम मूल शंकर से जाना जाता था, उसी प्रकार से विवेकानंद जी को बचपन में नरेंद्र दत्त कहा जाता था। लेकिन ये जो खेतड़ी के राजा हैं, खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, जो तांबा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो ये खेतड़ी के राजा जिन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, यानी खेतड़ी के राजा के द्वारा नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद कहा गया, ऐसा कहने वाले जो पहले राजा थे वो कौन थे? खेतड़ी के राजा। यानी खेतड़ी के राजा के द्वारा ही इनको पहली बार स्वामी विवेकानंद कह के संबोधित किया गया। विवेकानंद के जो गुरु थे उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस जी मूर्ति पूजा के समर्थक थे और मूर्ति पूजा के वो विरोधी नहीं थे, यहाँ तक कि वो बहुदेववादी मान्यता को ही मानते थे। तो निश्चित है कि स्वामी विवेकानंद को भी अपने गुरु के, हम कहेंगे अपने गुरु की जो छत्र छाया मिली होगी उस छत्र छाया में रहकर स्वामी विवेकानंद ने भी यही सीखा होगा कि मूर्ति पूजा के वो भी विरोधी नहीं रहेंगे और बहुदेववादी को वो भी मानेंगे। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर जो आडंबर फैलाया गया था, जो आडंबर का एक माया जाल था, इस माया जाल को विवेकानंद जी नहीं मानते थे। उनके नजर में आडंबर कोई नहीं होना चाहिए, कोई पाखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुदेववादी के भी समर्थक थे और मूर्ति पूजा के भी समर्थक थे, चूंकि इनकी गुरु रामकृष्ण परमहंस स्वयं बहुदेववादी को मानने वाले थे और साथ ही साथ मूर्ति पूजा के भी समर्थक थे। तो याद रखेंगे विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। अब देखिए आगे, इनको चर्चा में तब आने का मौका मिला, यानी हम कहेंगे कि विवेकानंद की पॉपुलैरिटी तब अधिक हो गई
जब इनको पहली बार 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1893 में अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया गया था, जहां पर सभी धर्मों के अनुयायी इकट्ठा हुए थे और अपने अपने धर्म की खूबियों को या अपने धर्म के अंदर कोई अगर विसंगति है तो उसको वहां पर सामने रखना था। एक तरह से अपने अपने देश के धर्म को प्रमोट करने का एक मंच प्रदान किया गया शिकागो में, जहां पर हिंदू धर्म को लेकर उस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे स्वामी विवेकानंद। लेकिन उस दौर में जहां पर अमेरिका में 1893 में सभी देशों के जो हम कहेंगे धर्म प्रमुख वहां बैठे हुए थे, उनका पोशाक स्वामी विवेकानंद से बिल्कुल अलग था, क्योंकि विवेकानंद जी वहां पर पगड़ी और धोती कुर्ता पहनकर पहुंचे हुए थे। और थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि जो सभ्य लोग होते हैं, जो कोट और पतलून पहनते हैं, उनके नज़र में पगड़ी और कुर्ता पहनने वाले लोग एक दोयम दर्जे के लोग माने जाते हैं, उनके अंदर उस प्रकार का विलक्षण प्रतिभा नहीं है जैसा कि कोट और पतलून पहनने वाले लोगों के पास है। तो मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद को थोड़ा सा सम्मान उतना नहीं मिल पाया था इस शिकागो सम्मेलन में जब ये भाग लेने के लिए गए थे। लेकिन जब इनको मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया गया, अपने धर्म की बातों को रखने के लिए बुलाया गया, तो इन्होंने संबोधन की शुरुआत की अमेरिका के भाइयों और बहनों से। और अमेरिका के भाइयों और बहनों से जब इन्होंने संबोधन किया तो इस संबोधन के साथ ही पूरे हॉल में ताली बजाकर विवेकानंद का स्वागत किया गया। और हम कहेंगे कि विवेकानंद के प्रति लोगों की जो भावनाएं थी वो भावनाएं ही वहां पर बदल गई। हिंदू धर्म को वहां पर पुनर्स्थापित करने में बहुत अधिक कामयाब हुए स्वामी विवेकानंद। और हम कहेंगे कि हिंदू धर्म को एक सर्वधर्म बनाने में, एक वैश्विक धर्म बनाने में सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी व्यक्ति का रहा है तो वो है स्वामी विवेकानंद, जो 1893 में शिकागो में जाकर यह उपलब्धि भारतीयों के लिए बनवाए थे। और इतना शानदार स्पीच उन्होंने दिया कि इनका नाम उसी सर्वधर्म सम्मेलन में यानी शिकागो में इनका नाम किया गया तूफानी भारतीय या तूफानी हिंदू। और ऐसे व्यक्ति का ही सम्मान करने के लिए, चूंकि भारत के युवा वर्ग से आते थे, एकदम युवा थे उस समय, और भारत के हिंदू धर्म की संस्कृति को विश्व पटल पर लाने का काम किया, आगे चलकर भारत सरकार ने इनका सम्मान करने के लिए इनके जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को पूरे भारत में यूथ डे के तौर पर घोषित किया, यानी युवा दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत कर दी गई। तो युवा दिवस किसके सम्मान में मनता है ये पूछा जाए तो भी आपका जवाब क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। युवा दिवस, मैं भारत के अंदर की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनता है, लेकिन भारत के अंदर जो युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस, वो विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को मनता है, ठीक है ना। तो ये तूफानी हिंदू और तूफानी भारतीय जो इनका उपनाम पड़ा था इसी सर्वधर्म सम्मेलन के बाद पड़ा था। उसके बाद देखिए, इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था, क्योंकि ये वेद शिक्षा को बहुत अधिक मानते थे। इनके नज़र में हर भारतीयों के पास ऐसी संस्कृति होनी चाहिए कि वो वेदों का ज्ञाता हो। तो अपने हिंदू संस्कृति को बनाए रखने के लिए और वेदों को हम कहेंगे पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से इन्होंने न्यूयॉर्क में ही वेदांत सोसाइटी का गठन किया 1893 में ही। 1900 ईस्वी में जब दूसरा सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था पेरिस में, तो उस दूसरे सर्वधर्म सम्मेलन में भी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए विवेकानंद जी पहुंचे थे। यानी आपको दो टर्म याद रखना है, जो प्रथम सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में 1893 में, उसमें भी भारत की तरफ से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए विवेकानंद ही गए थे। और जो दूसरा सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था पेरिस में, इस बार शिकागो में नहीं, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहां पर किया गया, तो उस सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विवेकानंद जी पहुंचे थे। तो इन्होंने बहुत अधिक भारत में काम किया। यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनके बारे में भी पूछता है कि बेलूर मठ, बेलूर मठ के संस्थापक भी कौन थे? तो बेलूर मठ के संस्थापक भी स्वामी
विवेकानंद जी थे। देखिए यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने किया, बेलूर मठ की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है विवेकानंद जी के बारे में, वो ये पूछा जाता है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत में कहाँ पर है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत की कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी जो कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे अंतिम छोर माना गया है, वहां पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जबकि बेलूर मठ संस्था और रामकृष्ण मिशन संस्था, ये दोनों संस्थाएं कलकत्ता में हैं। रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में किया था, उनका आदर करने के लिए किया था। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपको दोनों संस्था रामकृष्ण मिशन और एक और संस्था याद रखिएगा बेलूर मठ, ये दोनों आपको कहाँ पर हैं, कोलकाता। अब आइए देखते हैं एक और समाज सुधारक दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, जिनका जन्म 1824 में हुआ था और मृत्यु 1883 में हुआ था। दयानंद सरस्वती के बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने समाज सुधार की दिशा में कौन सा कार्य किया था। देखिए इनके बचपन का नाम है मूल शंकर, याद रखिएगा दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर है, जबकि विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है। तो दोनों में यहां पर डिफरेंस आप देख रहे हैं, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर। अब देखिए दयानंद सरस्वती के एक गुरु थे जिन गुरु का नाम था पूर्णानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे जिनका नाम था पूर्णानंद, और पूर्णानंद ने ही इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया था। यानी इनके गुरु जो पूर्णानंद थे उन्होंने पहली बार इनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया, इससे पहले यह मूल शंकर के नाम से ही जाने जाते थे। जबकि विवेकानंद जी को इनको विवेकानंद नाम देने वाले व्यक्ति थे खेतड़ी के राजा, खेतड़ी के राजा के द्वारा इनको विवेकानंद नाम दिया गया था, उसके पहले इनको नरेंद्र दत्त के नाम से जाना जाता था। अब देखिए इसमें एक और गुरु की बात हो रही है, स्वामी बिरजानंद, ये भी दयानंद सरस्वती के गुरु थे, लेकिन दोनों गुरुओं में क्या अंतर है कि स्वामी जो बिरजानंद थे इन्होंने इनको एक प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा दिया, हिंदू धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए इन्होंने शिक्षा दिया, और हम ये भी कहेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर जो अच्छाइयां थे उसको भी लोग अब एडप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसकी कमियों के कारण बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग करके ईसाई मिशनरी के रास्ते पर चलना प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि अगर कुछ अच्छाई है हिंदू धर्म के अंदर तो उस अच्छाई को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब वापस एक बार फिर से लोगों का ध्यान हिंदू धर्म तरफ होगा या उनका जुड़ाव हिंदू धर्म की तरफ होगा। तो इस तरह से देखिए स्वामी बिरजानंद के प्रयासों से हम कहेंगे कि दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करने का एक बार फिर से प्रयास किया, जो इसकी अच्छाइयां थी, जो समाज में हिंदू धर्म का एक ऊंचा स्तर विकसित हुआ था और उसके अंदर जो कमी आ गई थी जिसके चलते हिंदू धर्म बिखराव के रास्ते पर था, उसको एक बार फिर से पुनर्गठित करने, उसको प्रतिष्ठित करने का काम, उसकी संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास ये दयानंद सरस्वती ने किस गुरु के सुझाव से, या हम कहेंगे कि उसके कहने पर या उसके आदर्शों का पालन करने पर किए थे, स्वामी बिरजानंद। तो स्वामी बिरजानंद हम कहेंगे कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करवाने के लिए दयानंद सरस्वती को शिक्षा दिए, लेकिन जो पूर्णानंद गुरु हैं ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ इनका नाम रखा था दयानंद सरस्वती। आगे देखिए 1875 में, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 1875 में बंबई में, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो ये आर्य जो समाज है, यहाँ पर देखिए आर्य छूट चुका है, तो इसको आर्य यहाँ पर लिख लेंगे, आर्य समाज की स्थापना की गई बंबई में 1875 ईस्वी में। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति भी कौन रहे, दयानंद सरस्वती, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी आर्य समाज का हेड क्वार्टर हम कहेंगे कि मुख्यालय बाद में 1877 में कहां पहुंचाया गया, लाहौर में पहुंचाया गया। हालांकि हम कहेंगे कि जब लाहौर में पहुंचाया भी गया तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये उद्देश्य था
कि ये चाहते थे कि हमारी देश की जो शिक्षा का जो स्तर है, जैसे कि वैदिक शिक्षा का जो बात है, उस वैदिक शिक्षा को हम पाश्चात्य शिक्षा से भी जोड़ने का प्रयास करें ताकि ये आगे बढ़ने का काम करें। तो इसलिए इन्होंने इसका एक मुख्यालय लाहौर में बनाया और इस लाहौर में इन्होंने हिंदू धर्म को पाश्चात्य जगत से जोड़ने का प्रयास किया, पाश्चात्य शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किए थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौट चलो, यानी ये चाहते थे कि जो लोग वेदों की पढ़ाई अब नहीं कर पा रहे हैं, वेदों की पढ़ाई करने का सीधा सा मतलब है कि अगर हिंदू धर्म से वो विमुख हो चुके हैं तो वैसे लोगों को एक बार फिर से हिंदू धर्म की तरफ लाना है, और हिंदू धर्म की तरफ लाने का सीधा सा मतलब है कि वेदों की ओर लौट चलो। ये प्रमुख नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने छुआछूत जाति व्यवस्था पर एक प्रकार से प्रहार किया, कुठाराघात किया कि ये दोनों बहुत ही गलत हैं, क्योंकि समाज में से बंटवारा की स्थिति आ जाती है, अतः छुआछूत और जाति व्यवस्था बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वेदों में ये बात है, ऋग्वेद में जो लिखा गया है वर्ण व्यवस्था, कि हमारे समाज में चार तरह की जो वर्ण व्यवस्थाएं होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका इन्होंने विरोध नहीं किया। ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, यानी कि वेदों की बातों को ये मानते थे, लेकिन छुआछूत और जाति व्यवस्था की बिल्कुल विरोधी थे। इनको जो है समाज में मानते थे कि अगर ये रहेंगे तो समाज का बंटवारा होगा, इसलिए छुआछूत और जाति व्यवस्था पर इन्होंने प्रहार किया था, लेकिन वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन कर दिया था। हालांकि इन्होंने सामाजिक रूप से हिंदू धर्म को सुसंगठित करने का जो प्रयास किया उसको लेकर इन्होंने 1874 में एक बुक निकाला, सत्यार्थ प्रकाश, जिस पुस्तक में इन्होंने हिंदू धर्म की संस्कृति को एक प्रकार से पुनर्गठित करने, उसको प्रतिष्ठित करने का पूरी तरह से काम किया। तो सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी रचना है? तो ये आपको दयानंद सरस्वती जी की रचना है, ये ध्यान रखना है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना है, दयानंद सरस्वती जी की रचना है। धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए देखिए आगे चलकर इन्होंने शुद्धि आंदोलन किया था, और शुद्धि आंदोलन याद रखिएगा ये बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे हिंदू धर्म के अंदर जो हिंदू धर्म की कुछ ऐसी कमियां थी जिसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था, और वैसे लोग हिंदू धर्म को त्याग करके किसी दूसरे धर्म को अपना लिए थे। लेकिन जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को एक बार फिर से प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, उसको पुनर्गठित करने का प्रयास किया, तो उन्होंने लोगों से अपील की कि आप वेदों की ओर लौट चलिए, एक बार फिर से हम हिंदू धर्म में जो भी कमियां हैं उन सारी कमियों को हटाने का काम कर रहे हैं, और अब ये धर्म बिल्कुल सही बन जाएगा, अतः आप लोग वापस फिर से स्वीकार कर लीजिए हिंदू धर्म को। इनके कहने पर बहुत सारे हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गए हुए लोग वापस फिर से हिंदू धर्म में आ गए थे। इसी घटना को हम लोग नाम देते हैं शुद्धि आंदोलन से, और इसके बाद इनका एक क्रेज हिंदू धर्म के प्रति, हम कहेंगे कि अन्य धर्मों के लोगों के लिए कट्टर ये बन गए थे, क्योंकि कुछ दूसरे धर्म के लोग अब मानने लगे कि ये सबको हिंदू धर्म की तरफ लौटाने का प्रयास करवा रहे हैं, इसका मतलब ये हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक हैं, जबकि दूसरे धर्म के लोग उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो शुद्धि आंदोलन का मतलब है कि वो लोग जो किसी गलत चीज के चलते, जो हिंदू धर्म में कमियां थी उसके चलते जो दूसरे धर्म में गए थे, वापस उनको लाने के लिए फिर से जो आंदोलन चलाया गया, उसी आंदोलन को हम क्या कहते हैं? शुद्धि आंदोलन। और इनके इस आंदोलन के बाद जो लोग भी गलती से चले गए थे वापस फिर से आकर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिए थे। अब देखिए, इन्होंने देश के लिए सम्मान करने की भी जहाँ तक बात है, तो हिंदी को पहली बार राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो भी आपके हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसको सम्मान देने के लिए इन्होंने इसको राष्ट्रभाषा कह के संबोधित किया, और राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को स्वीकार करने वाले जो पहले व्यक्ति बने वो व्यक्ति भी कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखिए, 1886 में लाहौर में डीएवी की स्थापना, चूंकि 1883 में ही इनकी मौत हो चुकी थी दयानंद सरस्वती की, तो इनकी मौत के बाद 1886 में लाहौर में डीएवी की स्थापना की गई, और स्थापना करने वाले व्यक्ति थे लाला हंसराज।
लाला हंसराज, चूंकि उस समय दयानंद सरस्वती नहीं थे। तो ये क्या मतलब है? अभी आपको 1886 में लाहौर में क्यों स्थापना की गई? क्योंकि मैंने अभी बताया कि 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पहुँच गया था? लाहौर में पहुँच गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उनकी नज़र में वो चाहते थे कि हमारी हिंदू संस्कृति का विकास, हमारी हिंदू शिक्षा का विकास, वैदिक शिक्षा का विकास पाश्चात्य शिक्षा के साथ हो सके। तो पाश्चात्य शिक्षा के साथ हो सके, इसीलिए डीएवी की स्थापना किया गया। देखिए यहाँ पर दयानंद एग्लो, एग्लो का मतलब यहाँ पर अंग्रेज से है और वैदिक का मतलब वेदों से है, यानी वेदों को पाश्चात्य शिक्षा से जोड़ने का काम करवाए थे कौन? लाला हंसराज। इसलिए 1886 में देश का पहला डीएवी कहाँ पर खोला गया? लाहौर में खोला गया था। 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा खोला गया। जो लोग केवल हिंदू धर्म की संस्कृति को ही बचाने का प्रयास किए, यानी कि जिनके नज़र में वैदिक शिक्षा को पाश्चात्य शिक्षा से जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया, भारत की वैदिक शिक्षा को ही पुनर्जीवित करना चाहते थे, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल विश्व भारती की विद्यालय की स्थापना की। तो दो बातें आ गई, पाश्चात्य शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा को जोड़ने का काम लाला हंसराज ने किया था, इसलिए लाहौर में इसकी स्थापना किया गया डीएवी का। लेकिन केवल हिंदू धर्म के अंदर वैदिक शिक्षाओं का विकास ही केवल हो सके, इसको लेकर स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में कौन सा विद्यालय खोला था? गुरुकुल विश्वविद्यालय। और ये 1902 की बातें हैं। जब भारत के अंदर सारी सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही थी, हम कहेंगे कि हिंदू धर्म का काफ़ी अधिक विकास होने लगा, उस दौर में एक अंग्रेज़ भारत में आया था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल, और इसने देखा कि एक तरफ लोगों का झुकाव अब केवल हिंदू धर्म की तरफ हो रहा था, तो इसीलिए इन्होंने, वैलेंटाइन सिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को या उनके समाज जिनका नाम था आर्य समाज, उसको भारतीय अशांति का जनक बोल दिया। तो भारतीय अशांति का जनक आर्य समाज को कहा जाता है, यह बात वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। यह अलग बात है कि यही वो वैलेंटाइन सिरोल हैं जो आगे चलकर भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को भी बोले थे। फिर आगे देखिए, भारत का जो है मार्टिन लूथर किंग, ये स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी देशों में धार्मिक सुधार को लेकर प्रयास मार्टिन लूथर किंग कर रहे थे, ठीक वैसा ही हिंदू धर्म को पुनर्गठित करने का या प्रतिष्ठित करने का प्रयास भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती करते थे। इसीलिए दयानंद सरस्वती की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की गई है, यानी भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा, मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से बातों को समझे होंगे, और मैं छात्रों आपसे कहूंगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, आप मेरे पहले के भी दोनों वीडियो को जरूर देख लेंगे, ताकि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे ढंग से पकड़ में आ सके और फिर इस चैप्टर से आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।